हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अमनदीप आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारी सारी सभ्यताएं हैं। कल हमने पढ़ लिया था बागोर सभ्यता, पढ़ लिया था और मंडपिया के विषय में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे निम्बाहेड़ा। तो आज की जो सभ्यता है हमारी, वो है निम्बाहेड़ा सभ्यता। निम्बाहेड़ा, देखिए निम्बाहेड़ा जो सभ्यता है, उसको पढ़ने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि पाषाण काल के बारे में विषय में बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो पाषाण काल से भी पहले क्या कोई काल था? हाँ, उससे पहले हम देखते हैं। देखिए निम्बाहेड़ा को समझने से पहले उसके थोड़ा कुछ अतीत हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो देखिए जो इतिहास है, एक निम्बाहेड़ा को देखिए, अभी छोड़िए, तो अब देखिए इतिहास है जो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, तीन मतलब काल में बांटा गया है इतिहास को। पहला है प्रागैतिहासिक काल। देखिए ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका बेस हो जाए निम्बाहेड़ा सभ्यता को समझने के लिए, पहले ये चीज समझनी होगी, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर तीसरा हम लिख लेते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इतिहास को जो तीन कालों में बांट दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे मैंने आपको कल पाषाण काल पढ़ाया था, तो इसमें देखिए कि जो ये, ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कि जो प्रागैतिहासिक काल है जो, उसको दो भागों में बांटा हुआ है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। क्लियर है? कल मैंने आपको पाषाण काल के सारा डिवाइडेशन कितने में बांटा गया है वो सब आपको बता दिया है, जब बागोरा मैं आपको पढ़ा रही थी पहले, ठीक है। तो देखिए पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जहां पे सिर्फ औजार ही मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं या तांबे के औजार मिले हैं, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले जो हमें मिल रहे हैं, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता मैं आपको बताऊंगी ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक काल जो है, क्योंकि हमारी जो ये सभ्यताएं हैं ना, बागोर ले लो चाहे मंडपिया ले लो और चाहे हमारा निम्बाहेड़ा ले लो जो हम आज पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा जो भी ये सभ्यताएं हैं ना, उसका कनेक्शन जो है वो इस काल से बहुत है, पाषाण काल से और ताम्र पाषाण काल से, इस काल से इन सभ्यताओं का बहुत ज़्यादा मतलब ये संबंधित है, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर ही ये दोनों काल हैं बांटा गया है। मतलब प्रागैतिहासिक काल जो ऐसा समय है जब जो पत्थर के और तांबे के दोनों प्रकार के औजार यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था बागोर सभ्यता पढ़ाया था ना, तो उसमें हमने देखा था कि दूसरे जो चरण है उसमें तांबे के भी उपकरण मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपसे ये सिलेबस में पूछी गई है ना सभ्यता, तो उसका संबंध किससे है? प्रागैतिहासिक काल से, मतलब ये प्रागैतिहासिक काल की है। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज भी बोला जाता है, और इसको पैलियोलिथिक एज, ठीक है, इस तरह सॉरी स्टोन एज बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कॉपर एज बोला जाता है, ठीक है। अब इसको देखो, हमने फिर बांट दिया था तीनों भागों में, तीन भागों में बांट दिया था, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा हमने देखा था इसमें मध्य पाषाण काल,
तीसरा हमने देखा था इसमें नव पाषाण काल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है, जितनी आपकी जो सभ्यताएं जो आपको सिलेबस में पूछी गई हैं वो कौन से काल की हैं, अगर ऐसा पूछ ले तो वो है प्रागैतिहासिक काल की। और प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही ये पाषाण काल आ रहा है और ताम्र पाषाण काल भी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से देखिए आद्य ऐतिहासिक में फिर कांस्य युगीन आ जाएगा, फिर ऐतिहासिक में लोह युगीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे सभ्यता। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। फिर इसको हमने बांटा था आगे, जो इसको भी तीन में हमने डिवाइड कर दिया था, निम्न पुरा, पुरा पाषाण काल को भी, और मध्य पुरा और उच्च पुरा। ये तो आपको सबको पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। ठीक है, इतिहास को तीन भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ पर आपको क्लियर है कि जो हमारी जो सभ्यताएं हैं वो इस काल से ही, इन कालों से ही जो हमें मिली है। मध्य पाषाण काल बताया था मैंने आपको कल बागोर के विषय में बताया था। ठीक है, अब देखिए ताम्र पाषाण काल भी अलग से है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में कौन कौन सभ्यताएं, आपने पढ़ा होगा आहट सभ्यता है, मतलब आहट सभ्यता जो है राजस्थान की ही सभ्यता है, तो वो ताम्र युगीन सभ्यता है, मतलब ताम्र काल की है। पाषाण के बाद में जो मानव ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव ने ऐसी कौन सी धातु है जिसका पहली बार प्रयोग किया, तो क्या आएगा हमारा आंसर, वो आएगा तांबा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना चालू किया, तो वो आ जाएगा तांबा। ठीक है, और औजार किसके बनाए सबसे पहले, तो पत्थर के औजार बनाए, क्योंकि हम सभ्यताएं पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर तांबे से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। आहड़ जो है राजस्थान में है, अभी उदयपुर में है, ठीक है, स्थिति है, तो वहाँ से बहुत सारे जो क्या मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, उसको ताम्र युगीन, जो उसको तांबे के ही वहाँ पे उद्योग हुआ करता था, बल्कि यहाँ पर उद्योग ही नहीं बल्कि दूसरे जो अलग अलग आसपास की जो सभ्यताएं थी वहाँ पर इनका व्यापार भी होता था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो मध्य पाषाण काल का जो है, हमारा जो बागोर हमने पढ़ लिया वो मध्य पाषाण काल का है। हमने मंडपिया भी पढ़ा था जो निम्न पुरा पाषाण काल के भी पाए जाते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था हैंडेक्स मिला है कल, हैंडेक्स, ठीक है, चापर चौपर, ठीक है, इस तरीके से मिला है। और फिर इसमें नुकीलेदार मिले हैं, ये सारे पत्थर से बने हैं, नुकीलेदार, और इसमें कैसे मिले हैं, ब्लेड्स। ठीक है, तो देखिए अगर इसका समय हम देखें जो इन कालों का, तो ये है 6 लाख से 10,000, ये ईसा पूर्व है सारा। ठीक है, और इसका हम समय देखें तो ये 9,000 से लेके, ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो इन्हीं से रिलेटेड है सारी, जो इस काल से ही रिलेटेड है सारी सभ्यता, तो इसका समय हमें ध्यान रखना है। तो ये है 4,000 से लेके, ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं सभ्यताएं। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल में ये इस तरीके से आ जाएगा कि किस तरीके के हमें औजार मिले हैं, मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं निम्बाहेड़ा जो सभ्यता है जो हमारी, ठीक है, आज की। तो इसको आप देखिएगा कि जो निम्बाहेड़ा जो सभ्यता है, पहले तो आप देखिए निम्बाहेड़ा है कहाँ, स्थिति कहाँ है इसकी, तो स्थिति देखिए कहाँ पर है, निम्बाहेड़ा वर्तमान में कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा 30 किलोमीटर दूर है ये निम्बाहेड़ा जगह है। ठीक है, निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन भी आता है वहाँ पे। ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ से कितना किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर दूर है ये निम्बाहेड़ा जो है। ठीक है, ये निम्बाहेड़ा इतना दूर है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो भी सभ्यताएं हैं वो सारी नदी के किनारे में बसी हुई हैं। कैसी है, नदी के किनारे। बागोर जो बताया था मैंने आपको, कौन सी नदी, कोठाई नदी के। अब देखिए जो निम्बाहेड़ा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे बसी है, जैसे निम्बा से, निम्बा नदी यहाँ पे है, एक कौन सी नदी है,
निम्बा नदी, यहाँ साथ में एक कदमाली या कजाली नदी भी है, इसको कदमाली भी बोलते हैं और कजाली, कजाली भी आ जाता है इसका नाम, कजाली नदी। ठीक है, कदमाली आ जाए या कजाली आ जाए तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो निम्बा नदी, देखिए अब तो ये जो नदियां हैं अभी नहीं हैं, लेकिन जब ये सभ्यता का विकास हुआ था या जब सभ्यता थी, अभी भी है जो हमको खुदाई से मिल रहे हैं सब, तो यहाँ पर एक निम्बा नदी बहती थी। ठीक है, तो उसके साथ निम्बा और कजाली नदी भी थी, निम्बा और कजाली नदी या कदमाली नदी, दोनों प्रकार की नदियाँ। तो हमें स्थिति समझ में आ गई कि ये कहाँ पर है, ये निम्बाहेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है इसकी स्थिति, चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर दूर है। और कौन सी नदी है, निम्बा नदी और कदमाली नदी के या कजाली नदी, कुछ भी आ जाए आपको एग्ज़ाम में वो आपको करना है। ठीक है, ये क्लियर है आपको, यहाँ पर हमें स्थिति पता चल गई। ठीक है, अब देखना है कि यहाँ से इनमें से कौन से काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो मिले हैं वो मिले हैं ताम्र काल के अवशेष यहाँ से मिले। किस काल के? ताम्र काल के। और ताम्र काल ये रहा, ये देखिए आप, मैंने आपको डिवाइडेशन भी बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। इस समय के अवशेष जो हमें ज्यादा मिले हैं, मतलब तांबे से बने, ये ताम्रयुगीन है। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ये है आहड़ सभ्यता, जो आहड़ सभ्यता मैंने बताई थी, ये जैसे अवशेष आहड़ सभ्यता से मिले हैं वैसे ही निम्बाहेड़ा से मिले। तो आपको ध्यान रखना, पूछ भी सकते हैं कि आहड़ सभ्यता के समान ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान की। देखो, आहड़ सभ्यता भी राजस्थान की ही है, तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जो राजस्थान की, जिसके अवशेष समकालीन है उसके, तो ये है निम्बाहेड़ा। देखिए, आहड़ भी कहाँ पर है, उदयपुर में है, और ये इसीलिए ये पास ही है, आहड़ भी उदयपुर में है, ये भी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, मतलब ये साउथ रीजन का ही है, जो इलाका है दक्षिण भाग ही है ये। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा किसके अवशेष मिले हैं, ताम्र काल के या ताम्रयुगीन के अवशेष यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य पाषाण काल के भी, यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो है उसकी पेंटिंग्स मिली है। क्या मिली है? उसकी पेंटिंग्स मिली है। किस काल की? मध्य पाषाण काल की। पेंटिंग्स, यहाँ अपन बोलते हैं शैल चित्र बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे जो शैल चित्र बोले, शैल चित्र का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, कि शैल चित्र मतलब पत्थर, शैल चित्र मतलब शैलों पे, पहाड़ों पे, जैसे पहाड़ है इधर कोई, पहाड़ पे मतलब कुछ जिस तरह से पहाड़ ऐसा होता है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पहाड़ होता है, तो यहाँ पे शैल चित्र बने हुए हैं इन पे, है ना। तो शैल चित्र किस आकृति के होंगे? ज्यामिति आकृति के, मतलब रेखीय आकृति के हैं, इस तरीके के हैं, इस तरीके की लाइनें हैं या कुछ, उसका समझ नहीं आया, मतलब शैल चित्र इस तरीके के बने हुए हैं। और ये शैल चित्र भी कहाँ से मिले हैं, जो ये शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, एक धारेश्वर एक जगह है, ठीक है, वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि निम्बाहेड़ा में हमें मध्य पाषाण काल की पेंटिंग्स मिली हैं, शैल चित्र मिले हैं, और वो भी कहाँ के हैं, धारेश्वर जो है एक जगह है वहां से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी बहती है, गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। तो उसके आसपास है, मतलब उसके आसपास जो पठार हैं वहां पर ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है, देखिए आगे, देखिए ये आपको क्लियर है। अब हम निम्बाहेड़ा ही पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए आप, मैंने अभी आपको बताया कि मध्य पाषाण काल के
मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं यहाँ पे? शैल चित्र मिले, और ये कहाँ कौन सी जगह है? धारेश्वर जगह, धारेश्वर स्थान है, ठीक है। ये जो स्थान है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य, तो ध्यान रहेगा जो धारेश्वर है वहां से क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं, और यहीं पर एक नदी बहती है, उसका नाम है गंभीरी नदी, ठीक है। उसके आसपास हमें मिले हैं, प्लेस का नाम पूछे तो धारेश्वर आ जाएगा, और काल हमें पूछे कौन से चित्र मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। देखिए, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मध्य पाषाण काल की एक साइट आती है, स्थल आता है भीमबेटका। आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, भीमबेटका की गुफाएं, वहां से सबसे पुराने चित्र मिले हैं। तो जो यहां से भी जो चित्र मिले हैं ना निम्बाहेड़ा से, वो भीमबेटका जो है उससे समानता रखते हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उससे क्या रखते हैं ये? समानता, भीमबेटका के चित्रों से समानता है इसकी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा स्थल है जो राजस्थान का है कि जिसके भीमबेटका के जो शैल चित्र मिले हैं, भीमबेटका से भी शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जो समानता है जो इन चित्रों की, वैसे ही चित्र निम्बाहेड़ा से भी मिले हैं, ठीक है। शैल चित्र किस प्रकार के हैं? यहाँ पे लाल कलर है उसमें यूज़ किया गया है। अब देखिए, लाल कलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, एक यहाँ पर कोई कलर वगैरह तो यूज़ नहीं करते थे उस समय, तो क्या यूज़ किया गया था यहाँ पर चित्रों को बनाने के लिए? आपने पान, आप खाते होंगे पान, जानते हैं कत्था आता है एक, है ना, तो और कत्था जो होता था उसको पीस के, वो रेड कलर का होता है ना, तो उसको पीस के उसका कलर बना के फिर इससे क्या किया जाता? पेंटिंग की जाती, भीमबेटका की ये विशेषता है, ठीक है। तो वो रेड कलर का दिखाई देता था, इस तरीके से वो कलरफुल दिखाई देता है। तो भीमबेटका से क्या मिले हैं? शिकार के दृश्य मिले हैं, शिकार के दृश्य। तो यहां पर भी जैसे मैंने बताया कि भीमबेटका की तरह ही निम्बाहेड़ा से भी मिले, तो यहां पर शिकार के दृश्य भी मिले हैं, ठीक है। नृत्य करते मानव, नृत्य करते मानव चित्र, ठीक है, नृत्य करते हुए मानव चित्र मिले हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए, भीमबेटका से समानता है गंभीरी नदी है। अब देखिए, यहां पे जो चित्र मिले हैं ना, तो वो यहाँ पर एक तरह से, यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, नदी बह रही थी, तो नदी से क्या हुआ? जल अपरदन हुआ, मिट्टी का कटाव हुआ। तो जो ऐसे जो शैल है ना, वो इस तरीके से मिले हैं, ठीक है, मतलब ये ऊपर खाबड़ है, तो चित्र बने हुए इस तरीके से हैं, मतलब नदी के बहाव के जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो उससे क्या हुआ कि जो पहाड़ हैं, मतलब जो शैल हैं, इस तरीके से बन गए, तो वहाँ पर ये इस प्रकार के चित्र बनाए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नदी कौन सी बहती है इसके आसपास? भीमबेटका है। मध्य पाषाण काल के चित्र हैं, मध्य पाषाण काल में भीमबेटका भी एक जगह है, ठीक है, स्थान है जहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। तो निम्बाहेड़ा की क्या विशेषता है? यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। मैं आपको पढ़ाया है कि ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, मतलब आहट सभ्यता भी समानता रखती है, और किससे समानता रखती है? भीमबेटका जो है, भीमबेटका के चित्रों से भी इसकी क्या है? समानता है, ठीक है, क्लियर है आपको। इसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं, तो देखिए एक जगह और आती है, रथांजना। एक जगह है रथांजना, ठीक है, वहां पर भी जो मैं आपको बताऊं तो पूरा पाषाण काल के, मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल के यहाँ पे औजार मिले हैं, मतलब पाषाण, ये तो शैल चित्र मिले हैं, लेकिन यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण, मैंने आपको समझा दिया, निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। कौन सी जगह है? रथांजना, जगह का नाम आपको ध्यान रखना, रथांजना जगह है, ठीक है। वहां पर किसके किस प्रकार के औजार मिले हैं? निम्न पूरा पाषाण, मतलब पाषाण के औजार मिले हैं। मैंने आपको कल बताया था यहाँ से क्लीवर्स, ठीक है, और चापर चौपर, ये इसकी विशेषता थी, कल मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा,
पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल की सारी विशेषताएं मैंने आपको उसमें बताई हुई हैं, ठीक है। तो रथांजना जगह है, निम्बाहेड़ा के पास में ही है, ठीक है। वहां से पुरापाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण काल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। जो निम्न पुरापाषाण के जो अवशेष है, मतलब पत्थर के जो अवशेष हैं या औजार हैं, वो हैं क्लीवर्स, चापर, चौपर, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ के अगर हम लोगों की बात करें कि यहाँ के लोगों का मतलब किस तरीके से रहते थे, है ना, तो ये आखेट, किस पर आखेट जो है शिकार बोला जाता है, और ये क्या करते थे, भोजन संग्रहण, क्या करते थे ये, भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण भी किया करते थे। और ये कैसा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार का मांस खाया जाता था, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, कच्चा मांस खाते थे। एक जगह और है सिगो, क्या नाम उस जगह का, सिगो हो, वहां से भी हमें पुरापाषाण काल के, पुरापाषाण काल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, निम्बाहेड़ा अगर हमसे पूछता है तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर इसमें बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है इसको, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, तो ये इसका बेस है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कोई भी सभ्यता अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसीलिए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो ये है पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, हमने पढ़ लिया कि ताम्र काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, निम्बाहेड़ा से मिले हैं, ठीक है। और निम्बाहेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। इसी प्रकार पुरापाषाण काल में बांटा, मध्य पाषाण, आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा, ठीक है। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में है जो कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, मतलब कांसे के बने हुए वो मिले हैं, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक और चीज है, निम्बाहेड़ा से कांस्ययुगीन भी मिले हैं, कांस्ययुगीन चित्र भी मिले हैं, कैसे, कांस्ययुगीन चित्र भी मिले हैं, और ऐतिहासिक काल जो इस समय के भी चित्र मिले हैं निम्बाहेड़ा से। चित्रों की बात करें तो मध्य पाषाण काल का तो मैंने आपको बता दिया, और कांस्ययुगीन भी मिले हैं, ठीक है, मतलब इसके आगे जो इस समय चित्र बनाए जाते थे, ठीक है, शैल चित्र की बात हो रही है, पेंटिंग मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि कलर से वो पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ शैल चित्रों की बात हो रही है, तो वो कांस्ययुगीन से भी मतलब पाए गए हैं निम्बाहेड़ा पे, और ऐतिहासिक काल पे, ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ, लोह काल बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लोह युगीन, को बोला जाता है लोह युगीन, ठीक है। आपको क्लियर है निम्बाहेड़ा सभ्यता, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आप इसका और एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं इन पाषाण काल का, तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, बागोर सभ्यता जिसमें पढ़ाया हुआ है, मैंने उसको सारा बताया हुआ है इसमें, कि आप पूरी ये विशेषताएं जाने पाषाण काल से संबंधित, ठीक है। और अब देखिए कि जो निम्बाहेड़ा है वो हमने देख लिया कि चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ पे है, जो 30 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर दूर है निम्बाहेड़ा, ठीक है। कौन सी नदी है, निम्बा नदी है, कौन सी नदी है, निम्बा नदी और कजाली नदी, या कदमाली नदी भी आता है इसका नाम, ठीक है। और यहाँ से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, ताम्रयुगीन, मतलब ताम्रयुगीन, तांबे के अवशेष मिले हैं, जो आहट सभ्यता से क्या करता है, उसकी मतलब समानता है, आहट सभ्यता के समान ही यहाँ पे जो तांबे के अवशेष क्या हुए हैं, मिले हैं, ठीक है। इसी प्रकार मध्य पाषाणकालीन क्या मिले हैं, यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। अब देखिए मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं, मध्य पाषाण काल में एक और जो है साइट है या स्थल है भीमबेटका, भीमबेटका से जैसे शैल चित्र मिले हैं वैसे ही शैल चित्र निम्बाहेड़ा से भी मिले हैं, ठीक है। जैसे शिकार
के दृश्य, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए मानव के दृश्य इस प्रकार के। और यहाँ पर देखिए कैसे जो एक गंभीरी नदी है उसके किनारे में है, और ठीक है, और कौन सा जगह का नाम क्या है, धारेश्वर शैली। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धारेश्वर कहाँ है, या धारेश्वर से किस प्रकार के जो शैल चित्र मिले हैं, मतलब किस सभ्यता से इसका संबंध है, धारेश्वर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि धारेश्वर का संबंध निम्बा हेड़ा सभ्यता से है। किस कौन सभ्यता से है, निम्बा हेड़ा सभ्यता से है। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से इस जगह से धारेश्वर जगह है, नदी कौन सी है, गंभीरी नदी है, ठीक है, और भीमबेटका से समानता दर्शाते हुए चित्र यहाँ से मिले हैं। कैसे चित्र हैं, शिकार के चित्र हैं और नृत्य करते हुए मानव हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से बनी हुई, क्योंकि नदियाँ जो बहती थी तो इससे कटाव करती थी, मिट्टी का कटाव, वो जल का बहाव के कारण जो इनमें क्या हुआ, पत्थरों में कटाव हुआ, तो इस प्रकार के ये ऐसे बने हुए हैं। और वहाँ पर मतलब इस तरह से गुफाएँ सी बनी हुई हैं, वो हमें चित्र बनाए दिखाई देते हैं। और यहाँ के लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है, इस तरह के जो निम्बा हेड़ा से जो हमें 6 रॉक शेल्टर्स मिले हैं, कितने शेल्टर्स मिले हैं, 6 रॉक शेल्टर्स, मतलब 6, मतलब क्या बोलते हैं, गुफा निवास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 गुफा निवास भी यहाँ से मिले हैं। तो और इनका लोगों का जीवन कैसा था, आखेट करना था और भोजन संग्रहण करना था। मांस कैसा खाते थे, कच्चा मांस खाते थे ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के पत्थर के क्या मिले हैं, औजार भी पाए गए हैं, ठीक है। और ये कौन कैसे हैं, जैसे चापर, चौपर, क्लीवर्स, हैंड एक्स, हस्तकुठार, इस तरीके के भी मिले हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कांस्य युगीन शैल चित्र भी मिले हैं। कांस्य युगीन मैंने आपको बता दिया किस तरीके के, कि जैसे अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बाद आध्यात्मिक काल में पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक काल को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। कांस्य युगीन का मतलब यहाँ पर इस समय जो मानव है उसने तांबा, तो देख लिया था, तांबा पहला धातु है जो मानव ने पहली बार प्रयोग किया, तांबा और टिन को मिला के क्या बनाया जाता था, कांसा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता आएगी इसके अंदर, सिंधु घाट आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कांसे का प्रयोग किया करते थे, तांबा प्लस टिन मिला के किसका प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे। मतलब तांबा तो जो खोज लिया था, उसके बाद में इन्होंने टिन खोजा, टिन को मिला के तांबे में कांसा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्य युगीन शैल चित्र भी मिले हैं, इसके अलावा ऐतिहासिक काल के आगे मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऐतिहासिक काल के चित्र भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। आपको जगह का नाम भी याद रखना है, रथांजना से निम्न पुरापाषाण कालीन मिले हैं चित्र, ठीक है। इसके अलावा सिगोह जो जगह है उसमें से पुरापाषाण काल के हमें क्या मिले हैं, औजार, ठीक है। तो क्या चीज़ देख ली, यहाँ पे शैल चित्र भी मिले हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिले हैं, निम्न पुरापाषाण काल के और पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसके लिए ये सभ्यता बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ लिया, और जगह का नाम भी देखिए, गंभीरी नदी थी और एक गुंजाली नदी भी है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक गुंजाली नदी। ये नदियों के नाम भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि जो निम्बा हेड़ा इसके आसपास, ये तो प्राचीन जो नदियाँ थी, जो निम्बा नदी है, मैं बताइए आपको, निम्बा और कदमाली नदी है जो प्राचीन में बहती थी, इसलिए इसका नाम निम्बा हेड़ा रखा था, ठीक है। इसके अलावा जो अभी जो बहती है जो नदियाँ, गंभीरी नदी है, जो जब खुदाई की गई थी तो वहाँ पे गंभीरी नदी थी, तो उसी के किनारे के शैल चित्र पाए गए थे। और एक गुजाली नदी भी है, जहाँ सिगो एक जगह है, वहाँ से इसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं, मतलब पत्थर के औजारों के प्रमाण भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक जो यहाँ पे पुरापाषाण काल के जो हमें जो मिले हैं ना चित्र, वो किसके बने हैं, क्वार्ट्जाइट के, क्वार्ट्जाइट पत्थर के। ये कैसा होता था, ये होता था नीला और गुलाबी, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ से पत्थर भी मिले। देखो निम्बा हेड़ा अगर आप नॉर्मली पढ़े तो निम्बा हेड़ा अभी किस लिए फेमस है, निम्बा हेड़ा राजस्थान में किस लिए फेमस है,
सीमेंट उद्योग यहाँ पे बहुत, जेके सीमेंट, बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ, जो बड़े बड़े सीमेंट उद्योग यहाँ पे पनपे हैं, अभी पन विकसित हो रहे हैं और हुए भी हो भी चुके हैं। तो निम्बाहेड़ा, तो यहाँ पर पत्थर की जो क्वालिटी है इस तरीके की मले हैं, मतलब वहाँ पे प्राचीन काल में भी इस तरीके का पत्थर होता था, ठीक है। तो कौन सा पत्थर? क्वार्ट्जाइट पत्थर है, ठीक है। और वो किस प्रकार का? नीला और गुलाबी है। और यहाँ पर एक उद्योग और होता था, उसको बोलते थे क्लेसडोनी उद्योग, क्लेसडोनी, क्लेसडोनी उद्योग, ठीक है। कौन सा उद्योग? क्लेसडोनी उद्योग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लेसडोनी उद्योग था, एक तरीके से एक प्रकार का पत्थर है यहाँ पे। अब भी देखिए सीमेंट का हो रहा है, तो वहाँ पर इससे प्राचीन काल की हम पढ़ रहे हैं, तो वो एक प्रकार का पत्थर होता था, ठीक है, मतलब एक पत्थर का औजार होता था, मतलब उसको काफ़ी मतलब औजार बनाने के रूप में, मतलब पत्थर के औजार यहाँ पे बनते थे। तो उस तरीके से इस ये एक प्रकार का उद्योग जो था वो यहाँ पर विकसित था, ठीक है। और ये इसके अलावा सारे पत्थर का हमने पढ़ लिया, तो इस तरीके से ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थरों के प्रकार भी हमें ध्यान रखने हैं किस प्रकार के, साथ में साथ यहाँ पर ब्लेड्स भी मिली हैं, ब्लेड्स के रूप में भी मिले हैं, ब्लेड्स उद्योग भी यहाँ पर था, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया था मंडपिया में ब्लेड्स मिली हैं। देखिए अगर निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषता पढ़ें, फिर उसके बाद में हम मध्य पुरा पाषाण काल की विशेषता पढ़ते हैं, फिर उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता पढ़ते हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में ज़रूर से देखिएगा उसको, फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लेसडोनी एक पत्थर का प्रकार है, तो वो इस प्रकार के पत्थर से यहाँ पर औजार बनाए जाते हैं, मतलब ये हम माने कि यहाँ पर ये निम्बाहेड़ा जो काफ़ी विकसित है, क्योंकि यहाँ पर शैलचित्र भी मिल रहे हैं, मतलब यहाँ के लोगों में, यहाँ की सभ्यता, जो यहाँ के लोग रहते थे, ये काफी विकास की ओर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि तभी तो यहाँ पे कांस्ययुगीन चित्र भी मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो मनुष्य है उसने थोड़ा क्या एडवांस रूप से आगे बढ़ना सीख लिया था। तो एक तरह से अगर हम बागोर से पढ़ें, बागोर में भी लोहे के भी मिले हैं, लेकिन निम्बाहेड़ा जो है वो एक अलग तरीके से सभ्यता का विकास हो रहा है यहाँ पे, मतलब तांबे के भी, ताम्रयुगीन, मतलब तांबे की चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पे, और पत्थर की ज़्यादातर मिल रही हैं, ठीक है। और लेकिन चित्र की बात करें तो चित्र में थोड़ा सा विकास ज़्यादा है, शैल चित्रों में विकास इनका ज़्यादा हुआ है, तो कांस्ययुगीन के भी चित्र मिल रहे हैं और ऐतिहासिक काल के भी चित्र यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।